अस्सलाम वालेकुम बी फॉर यू एसआरजी फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा, वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजर रहा होगा फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। अच्छा, एक चीज़ आपको बताता चलूं कि कुछ ऐसे हमारे दोस्त हैं जो कि व्हाट्सएप ग्रुपों में उन्होंने बहुत शोर मचाया होता है और तरह तरह की तरगीबात दे रहे होते हैं, जी ऐसे कर लें, वैसे कर लें, ऐसे कर लें। और जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आपकी बी फॉर यू की आईडी क्या है, आपकी बी फॉर यू में इन्वेस्टमेंट क्या है, आप बी फॉर यू से कब से मेंबर हैं, तो वो इन चीज़ों का सवालों का जवाब नहीं देते। अब अगर आप डॉक्टर को अपना मर्ज़ नहीं बताएंगे, आप कंपनी ओनर को या अपनी अपलाइन को, अपने लीडर्स को अपनी एक आईडी नहीं बताएंगे, आपके मसले का हल क्या होगा। दूसरी बात यह है कि जो भी लोग हमें जानते हैं, स्पेशली 2016, 17, 18, 19 से जानते हैं, जो लोग 2020 के आखिर में आए हैं या 21 में आए हैं, वो हमें इतना नहीं जानते जितना पुराने लोग जानते हैं। उनको पता है कि सैफ रहमान को जो मज़ा देने में आता है वो लेने में नहीं आता। हमने इतने अचीवर पैदा किए हैं, इतने कार अचीवर, इतने मोटरसाइकिल अचीवर, इतने लैपटॉप अचीवर, और इन सब लोगों को हमने डिलीवर किया है। ओवरसीज़ टूर हमने करवाए हैं, तुर्की का, मलेशिया का, उमरे का, दुबई का, बाकू का, और एक एक 160 200 बंदे, 150 बंदे हम लेकर गए हैं। तो जो सैफ रहमान ने जो कमिटमेंट किया उसको पूरा किया है। ये हो ही नहीं सकता कि वो ऐसी कमिटमेंट सैफ रहमान करते ही नहीं जो पूरी ना हो सके। और ये मेरा ऑन रिकॉर्ड 2018-19 की आप मेरी वीडियोज़ देख लें, जिसमें मैंने बार बार ये कहा है कि सैफ रहमान इनाम देते देते नहीं थकेगा, आप लोग इनाम लेते लेते थक जाएंगे। तो जो लोग ये मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। वो दरअसल दूसरी कंपनियों के आलाकार हैं, दूसरी कंपनियों के लिए काम करते हैं, और वो ग्रुप्स में एक नेगेटिविटी शुरली छोड़ते हैं, और फिर उसमें जो लोग, जिन लोगों को हमारी वजह से कोई परेशानी होती है, वो उसके ऊपर कोई बात करते हैं, वो फिर उनको पर्सनल में जा के उनको नई चूरन बेचने की कोशिश करते हैं। तो उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं, उन लोगों का ही नुकसान है जो इधर उधर भागते हैं। तो जो लोग हमारे साथ 5-6 साल से जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि सैफ रहमान ने हमेशा देना सीखा है और देकर उसको खुशी होती है। तो ये जो मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जी जो हमारी कार कमेटी होगी उसका क्या होगा, ये जो डॉलरों की फ़ीस ली गई है, एक्टिवेशन फ़ीस है, वो सारी चीज़ें कंपनी की है। जिस शख्स ने हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, नैब कोर्ट हो, कहीं पे भी जाकर ये नहीं कहा कि ये चीज़ मेरी नहीं है, जहाँ मैंने हर जगह पे बांगे दोहल ऐलान किया है, और इसी वजह से कि कुछ लोग जो नेगेटिविटी फैलाते थे, जी सैफ रहमान साहब की बेल होगी तो दूसरे दिन वो मुल्क से भाग जाएगा, इसलिए हमने खुद अपना पासपोर्ट सरेंडर किया। जो हमारे साथ जो भी मसला हुआ, जितनी भी गलतियाँ हुई, कोताहियाँ हुई, सुस्तियाँ हुई, नलायकियाँ हुई, उसका हमने अपने ऊपर ओन किया कि जी बेशक हमारे साथ खलाई मखलूक जुड़ी हुई थी, या ज़मीनी मखलूक जुड़ी हुई थी, या दरमियानी मखलूक जुड़ी हुई थी, उन सब की जो कुछ भी कारस्तानियाँ थी उसको सैफ रहमान ने ओन किया है। और जब सैफ रहमान ओन कर रहा है, तो ये आप लोगों को इस नेगेटिव प्रोपेगेंडे से कुछ हासिल नहीं होगा। जिन लोगों का बिलीफ सैफ रहमान पे है, वो ताहयात ताक्यामत तक रहेगा, उनके बिलीफ को आप मतजल या उनको डगमगा नहीं सकते। तो इस तरह अपनी जो है ना, ये छोटी छोटी शरारतें करना छोड़ दें। और दूसरी बात यह है कि कुछ लोग मिलकर गए हैं, अब एक दिन में अगर हमारे 6 लाख मेंबर हैं और टॉप लीडर्स की बात करें या एक्टिव लीडर्स की बात करें, तो वो कम से कम 50-60 हज़ार लोग बनते हैं। अब उसमें इन्वेस्टर भी हैं, उसमें नेटवर्कर भी हैं, उसमें कुछ बहुत तेज़ हैं, बहुत एक्टिव हैं, और कुछ थोड़े धीमे हैं। हम सबको मिलना चाहते हैं। अब आपको पता है कि अगर ये मेरी कंडीशन, बीमारी की कंडीशन ना होती, तो हम एक बहुत बड़ा इवेंट करके भी आप सबको बुला सकते थे, मिल सकते थे। या हमारा एक प्लान है कि ईद के बाद हम एक ईद मिलन पार्टी करें, तो जो लोग पूरे पाकिस्तान से जहाँ कहीं से भी आना चाहते हैं, उसमें इन्वेस्टर भी होंगे, मेंबर भी होंगे। छोटी इन्वेस्टमेंट, चाहे आपकी $50 की इन्वेस्टमेंट है, चाहे आपकी 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, या उससे भी ज़्यादा की है, आप हमारे लिए उतने ही मोहतरम हैं, हमारे लिए उतने ही मुअज़्ज़ज़ हैं, जितना कि एक बड़ी अमाउंट वाला है या छोटी अमाउंट वाला है। तो आपको किसी किस्म की इस तरह के नेगेटिव प्रोपेगेंडे का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है। आपने चाहे इन्वेस्टमेंट की है, चाहे आपने कार कमेटी में पेमेंट की है, चाहे आपने एक्टिवेशन फ़ीस की है, क्योंकि जब लास्ट टाइम जब एक्टिवेशन फ़ीस कुछ लीडर ले रहे थे, उनके अकाउंट बंद हो गए हैं, वो हमने किसी को नहीं बताया। उनके अकाउंट में, किसी के अकाउंट में 50 लाख थे, किसी के अकाउंट में 70 लाख थे, किसी के अकाउंट में इससे भी ज़्यादा थे। तो वो जूँ जूँ आपसे फ़ीस लेते थे, वो हमें लिस्टें भेजते थे, उनके अकाउंट एक्टिव हो गए हैं, मे बी 80% या 70% अकाउंट एक्टिव हो गए होंगे, और कुछ की जो अकाउंट रह गए होंगे, उसके बाद तो एक सिस्टम ही क्लैश हो गया। अब आपको उस चीज़ की परेशानी नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास स्लिप है, आपने किसी लीडर को कैश बॉक्स के ज़रिए पैसे दिए हैं, चाहे उसको कैश दिया है या कुछ भी दिया है,
जहाँ सफरमंद अरबों रुपया दे देगा तो वहाँ पे आपके $5,000 के लिए उसकी सेहत पे असर नहीं पड़ता। तो ये जो आपके ग्रुपों में आपके साथ जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, उन लोगों के आप आलाकार बनने की कोशिश ना करें, उनको इस चीज़ से आगाही करें कि हर चीज़ के लिए जब सफरमान कमिटमेंट कर रहा है तो फिर परेशानी क्या है। हाँ, जो लोग ये चाहते हैं कि हम हथेली पे सरसों जमा दें, अब हम बाहर आ गए हैं, मैं जेल से निकल कर आया हूँ, कोई दुबई से नहीं आया कि मैं बाहर से आया हूँ, कि मैं बाहर से पैसे लेकर आया हूँ या नोट भर के ले आया हूँ कि मैं आपको आते साथ ही दे दूँ। मेरे अकाउंट 1.5 साल से बंद है, अभी मेरे पहला स्टेप हुआ, मेरी बेल हुई है। अब अगले स्टेप जब अकाउंट खोलेंगे या मेरी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर से काशन हटेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को पैसे भी दे दिए जाएंगे। पैसे देना मेरी चॉइस है, मैं देना चाहता हूँ, मैं ये काम को कंटिन्यू नहीं करना चाहता। मुझे बहुत से लोगों की कॉलें आई, स्पेशली बेवा औरतों की कॉलें आई कि जी आप खुदारा हमारे पैसे वापस ना करें, आप हमारे साथ काम करें। लेकिन जब एक गवर्नमेंट की तरफ से एलिगेशन है, जब तक मेरा ट्रायल चल रहा है, कोर्ट में केस है, हम इस तरह की कोई कमिटमेंट, कोई आपको सब्ज बाग नहीं दिखाना चाहते। और इसके अलावा मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि जी हमें आज ही पैसे चाहिए, इसी हफ्ते में पैसे चाहिए, और कुछ तो कुछ को तो इल्हाम हुआ है या उनको किसी नजूमी बाबा ने बताया कि जी सफरमान के घर में पैसे हैं, तो भाई मेरा घर किसी से ढक्का छुपा नहीं है, सारी दुनिया जानती है कि कराची में मेरा घर कहाँ है, लाहौर में मेरा घर कहाँ है, और 80% लोग उस घर में आए हैं। तो जब आपको पता है कि वहाँ पर पैसे पड़े हैं तो आप भाई आप 2-4 दिन वेट क्यों करते हैं, आप आज ही आ जाएँ, वो पैसे मुझे भी निकाल के दे दें। हो सकता है कहीं पे छुपा के रखे हों आप लोगों ने, या मेरे मुलाजमों ने छुपा के रखे हों, मुझे ना पता हो, तो ये एक तरह से आपका भला हो जाएगा, मैं भी ईद अच्छी कर लूँगा, आप लोग भी बैग भर भर के ले जाइएगा। तो इस तरह की नेगेटिविटी ना फैलाएं, और रमज़ान का महीना है, शरपसंदी फैलाने से भी बचें। और जो चीज़ मेरे इख्तियार में नहीं है, जो चीज़ें आपको क्लियरली बता दी गई हैं कि मेरे बैंक अकाउंट बंद है, मेरी प्रॉपर्टी बंद है, सारे बिजनेसेस बंद हैं, कोई भी बिज़नेस, जिस दिन मैं अरेस्ट हुआ उसके बाद सारे बिज़नेस तबाह बर्बाद हो गए, सारे लोग भाग गए। अगर आप ये समझते हैं कि सारे बिज़नेस चल रहे हैं तो लाहौर में ही थे ना सारे बिज़नेसेस, लाहौर में थे, इस्लामाबाद में थे, कराची में थे, आप वहाँ जाकर उन बिज़नेसेस से पैसे कलेक्ट कर लें, आपको किसी ने रोका तो नहीं है ना। तो खुदारा ये शरारतें करनी, छोटी छोटी शरारतें करनी छोड़ दें, अल्लाह से अल्लाह पर भरोसा रखें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह किसी के एक पैसा पाई ज़ाया नहीं होगा। और जो जहाँ तक दूसरे लोगों से मुलाकात का तल्लक है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, और ये मुलाकातों का सिलसिला इसीलिए है कि हम लोगों की प्रॉब्लम समझ सकें, लोग हमारी प्रॉब्लम भी समझ सकें। वन वे ट्रैफिक ना चलाएं कि जी बस हमने पैसे लगाए, हमें पैसे मिलने चाहिए। अगर आप ग्रुपों में बदतमीज़ी करेंगे, शरारत करेंगे, शोर शराबा करेंगे, अगर शोर शराबा से पैसे मिलने होते तो ऑलरेडी मैं 7 महीने तो जेल में रह के आऊँ, जो जब मैं जेल में था तो आप लोगों को पैसे मिल जाने चाहिए थे। अभी तक ट्रायल नहीं शुरू हुआ, अभी तक कोई कोर्ट का फैसला नहीं आया, और आप चाहते हैं कि रातों रात आपको पैसे मिल सकें, ऐसा नहीं हो सकता। सब्र करें, सब्र का फल मीठा होता है। हम आपसे कमिटमेंट कर रहे हैं कि जैसे ही हमारे अकाउंट खुलेंगे, या जिन लोगों की बहुत बड़ी बड़ी अप्रोच हैं, वो कहते हैं जी हम आपको फलां मिनिस्टर से मिला देते हैं, फलां चीफ मिनिस्टर से मिला देते हैं, फलां वज़ीर आज़म से मिला देते हैं, भाई हमें किसी से ना मिलवाएं। अगर आपकी अप्रोच है तो हम पे भी करम रहम करें, और उन 6 लाख खानदानों पर भी रहम करें, आप हमारे अकाउंट एक्टिव करवा दें। अकाउंट एक्टिव होने के बाद अगर आपको पैसे ना मिले तो फिर आप कहिएगा जी हाँ जी सैफरमान ने वादा किया था, वो पूरा नहीं कर रहा। अगर मेरे हाथ और पांव बंधे हुए हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। और सिर्फ एक ही बात जहन में रखिएगा, एक ही बात यकीन कीजिएगा कि सैफरमान को देने में मज़ा आता है, और सैफरमान ने हमेशा दिया है लोगों को। सैफरमान के सिस्टम से, सैफरमान के हाथों से हज़ारों नहीं लाखों लोग करोड़पति बने हैं, और इंशाल्लाह आपका एक एक पाई, एक एक पैसा आपको दिया जाएगा। शर्त क्या है? सब्र। अगर आप सब्र नहीं करेंगे तो आपके लिए भी परेशानी है, मेरे लिए भी परेशानी है। और अगर आप ये समझते हैं कि इस तरह ग्रुपों के अंदर शोर मचाने से या इस तरह की हरकतें करने से आपको पैसे मिल सकते हैं तो अच्छी बात है, आप मेरी भी मदद करें, मुझे भी पैसे चाहिए, आपको भी पैसे चाहिए, आपने भी ईद करनी है, मैंने भी ईद करनी है, इंशाल्लाह मिलकर ईद करेंगे। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। बीफा यू जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।